वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ इमरान खान के बड़े दरीना साथी, हिज फुट सोल्जर, वेरी आर्टिकुलेट पार्लियामेंटेरियन अली मोहम्मद खान हैं। जेल में रहे भी, बाहर भी निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद साहब, आप कुछ कह रहे हैं तो आपके पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, आप किसको बनाएंगे? वो कह रहे हैं कि जी बात ही नहीं करनी, और तबातर के साथ ही, और बात ही नहीं करनी। आप क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। गुफ्तगू सियासी जमातें करती हैं, हम भी करेंगे, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बारहा बात हुई। जरदारी साहब ने भी बात की, राना सनाउल्ला साहब ने भी बात की, और भी उनकी लीडरशिप ने बात की। मैं समझता हूँ अगर तो मुज़ाकरात में वो संजीदा हैं तो एक तो वो माहौल बनाएं, उनके अमल से लगे कि वो मुज़ाकरात कोई बामल मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर हुकूमत का मकसद ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तूल दिया जाए, इमरान खान साहब की जो असीरी है उसको भी तूल दिया जाए, या हम उनके मैंडेट को तस्लीम कर लें। हमारे तो मुज़ाकरात के लिए दो बुनियादी चीज़ें हैं, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अगर इस पे कोई प्रैक्टिकल पैरामीटर्स, प्रैक्टिकल रोड मैप है तो उस पर बात कर लेते हैं, उनके नुकात उठा के इमरान खान साहब के सामने रख लेंगे कि हुकूमत ये कहती है, बाप क्या कहते हैं। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एक मुसलमा हकीकत है पाकिस्तान की हालिया तारीख में, माजी करीब और माजी बईद दोनों में उनका एक रोल रहा है। हालांकि उनकी तरफ से बारहा ये बात की गई कि हमारा सियासत में रोल नहीं है, लेकिन उनका जितना रोल है वो आवाम ने देखा, पीटीआई भी जानती है, हर पार्टी हाँ जानती है। तब अगर उनके साथ कोई बात होनी है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात सियासी जमात के साथ ही होते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा अली, अब आप जो बातें कह रहे हैं ये बड़ी सब अहम है, पॉजिटिव, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप जब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने हैं तो आप माहौल बनाएं, तो मसलन कल एक पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं जो राना सनाउल्ला साहब हैं, अगर वो कल कहें कि जी हम दावत देते हैं पीटीआई को कि आए बैठ के बात करते हैं, तमाम मामलों पर बात करते हैं, तो क्या रद्द अमल होगा? देखिए, दो तरह की सोचें पाई जाती हैं। एक तो यह है कि बात ही नहीं करनी, दूसरी सोच यह है कि नहीं, बात करनी चाहिए, अपना मौकफ रखें, उनका सुने और देखें कि क्या मामलात का हल निकल सकता है। मेरे ख्याल में वैसे भी हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि वो अम्रहुम शूरा बैनहुम, कि जब कोई मसला आता है मोमिनीन को तो वो बैठ के शूरा करते हैं। मेरे ख्याल में बैठना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए कि उनके पास क्या हल है। मेरे ख्याल में तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि वो पॉलिटिकल केसेस हैं, सबको पता है कि ये कोई जुडिशियल केसेस नहीं है, इमरान खान साहब ने अचानक कोई जुर्म नहीं कर दिया कि उन पर 150-200 केसेस कैसे हो गए हैं, तो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकलना चाहिए, मैंडेट की वापसी का कोई लाअमल होना चाहिए। इमरान खान साहब बाहर हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल जमात अपना काम शुरू करे। मेरा तो ख्याल है कि हम सब बड़ा लेट हो गए हैं, 9 मई आ रहा है, 9 मई से पहले इन मामलों का हल निकलना चाहिए था, बल्कि कौम तो इस इंतज़ार में थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन कौम को एक ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर देगा, एक तरक्की का रास्ता खुलेगा, एक कौम एक पिछले एक साल के मखमसे से निकल के अपने कोई रास्ते का तयन करेगी। वही एहतजाज, वही धांधली, वही फॉर्म 47, ऊपर से अब वीट का स्कैंडल के अवाम अपने खाने पीने को मुहताज हो गए हैं, खासकर पंजाब में जो सूरत हाल है। मैंने तो कल ये बात कल या परसों शायद की भी थी कि पंजाब हुकूमत अगर टिकटॉक से और वर्दी पहनने का शौक उनका पूरा हो गया है तो किसान पे तवज्जो करें, बेचारे रुल गए, बेचारे किसान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। वर्दी पहनना इतनी बुरी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल है, क्योंकि वो खातून है, उस पर मैं ज्यादा ही बात हो रही है, किसी मर्द ने पहनी होती तो सब कहते हैं वेल डन। एनीवे लेट्स कम टू द मोस्ट सब्सटेंस, तगड़ी वाली वर्दी पर पहने तो कोई बात बने ना। अच्छा, तो अब ये बताएं कि जो मामलात हैं, ये बातचीत के मामलात, आप अपनी पार्टी की तारीख देख लें। देखिए, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है और इलेक्शन के रिज़ल्ट दूसरे दिन सुबह, आपके यहाँ से अली जफर साहब ने कहा, आपके यहाँ से और लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी के एतज़ाज़ अहसन साहब, नदीम अफजल चंद, इन्होंने बताया कि आपके पास
चल करके पीपल्स पार्टी वाले गए, उन्होंने कहा जी चलें हुकूमत बनाते हैं, ये तो सब को मालूम है दिस इज़, और कोई ये डिनाई नहीं करता, और आपकी भी पार्टी कहती है हाँ हमें ये आया था ऑफर। अच्छा, आपकी पार्टी के सीनियर लोगों ने मुझे कहा कि हमें तो लगता है हम समझ ही नहीं रहे कि हम गवर्नमेंट भी बन सकते हैं, हम अपोजिशन के मोड में हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका था कुछ करने का। फिर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ आपको, जब डार साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब में नेगोशिएशंस हुए कि जी इलेक्शन की ये डेट हो जाती है, आपको मालूम है जो जो मैं बात करूँ, तीन मेंबर कमेटी आपकी तरफ से गई, अली जफर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब उधर से डार साहब, और ये बात कुरैशी साहब ने पब्लिकली आके टीवी पे भी कही कि हाँ बातचीत मुस्बत है, आगे बढ़ी है, इन्होंने भी डार साहब ने कहा तो, और कहा कि जी शायद अगस्त के आखिर में हो जाएंगे इलेक्शन, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा नहीं फ़ौरन करवाएं। मैं आपको ये ज़रा दोहरा रही हूँ पुरानी बातें, इसलिए क्योंकि सियासत में मौके तो आते हैं। देखिए ना, आप जो आपकी अप्रोच है अली, ये बड़ी मुस्बत सोच है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं जी हम थल्ले लग गए हैं या हम डर गए, इसलिए क्योंकि यू आर सेइंग क्रिएट स्पेस टू मूव ऑन। लेकिन आपकी पार्टी के बार 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 जो आती है वो यही वहाँ से मैसेज आता है कि नहीं जी ये नहीं, हमने मैंडेट चोर से बात नहीं की। खान साहब ने तो ये बात की कि हम सब सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। बात करने का मकसद क्या होता है? देखें, अब हम एक, आप और मैं पार्टीज तो नहीं है, लेकिन हम एक प्रोग्राम में अक्रॉस द टेबल बैठे हुए, तो क्या आप मेरी सारी बातों से मुत्तफिक हो जाएंगी या मैं आपके सारी बातों को मान लूंगा कि नहीं? हम अपना मौकफ रखेंगे, अपना मौकफ रखेंगे, तो सियासत में तो मौकफ पे बात होती है। हम अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, हमारा मौकफ ये है कि इमरान खान साहब असीरान की रिहाई बिल्कुल नाजायज है। 9 मई एक फॉल्स कैद नाजायज है, फॉल्स उनकी जो कैद रखा गया तो उनकी रिहाई होनी चाहिए, उन पे पॉलिटिकल केसेस हैं। 9 मई ऑपरेशन था, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है, एहतजाज के दिन कुछ नॉन हमारे लोग नहीं थे, जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की, जो कि कोई अच्छा अमल नहीं था। तहरीक इंसाफ ने उस पुरतशद्दुद काम को ओन नहीं किया। तहरीक इंसाफ आज भी कहती है कि हमारे पास राइट था पुरअमन एहतजाज का। अब उन चीज़ों को बुनियाद बना के आपने एक साल से मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया हुआ है, सबसे बड़े लीडर को। लेकिन लीडर तो कौम का असासा होता है, लीडर रोज रोज तो पैदा नहीं होते। आपके जज, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमी, जर्नल, सारे लोग आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े वकला आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई कोई साथ कैन होता है, कोई कोई अब्दुल कदरी खान बनता है, कोई कोई भुट्टो या कोई कोई इमरान खान बनता है। हम कब ये समझेंगे, हम कब ये समझेंगे कि लीडर कौम के लिए उतना ही अहम है जितना बदन के लिए रूह? तो आपने लीडर को अंदर डाल के क्या इमरान खान का नुकसान हो रहा है? वो पाकिस्तान का है, तो इसी तरह कोई और भी लीडर है। मैं माजी में जब अपना मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी डाल के भेजा गया, मैंने इस चीज को कंडेम किया है कि वो भी गलत था। आईन पे आपने किस कानून के तहत आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह आपने किया, और कोई उसका फायदा तो होता नहीं जो आम तो अब अगर इमरान खान साहब के साथ ही हो रहा है, देखिए कौम ने आके आपको अपना फैसला सुना दिया, बिल्कुल सुना दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें, चीफ जस्टिस साहब की एक जिम्मेदारी बनती है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस टॉक करते हुए चीफ जस्टिस साहब से डिमांड की है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कर रहा हूँ कि आपने ऑर्डर किया कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी का इलेक्शन, तो आपने तो हुक्म दे दिया कि इलेक्शन हो जाए और वो हुआ, लेकिन पत्थर की लकीर के ऊपर उन्होंने फॉर्म 47 की लिपाई कर दी ऊपर। ये फिर आपने बोले क्या सिर्फ आजाद शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है? इलेक्शन होना जरूरी है, उसका आजाद शफाफ होना भी जरूरी है। अगर आजाद शफाफ होना जरूरी है तो वो तो नहीं हुआ, इसलिए हमारी एक पिटिशन पड़ी है चीफ जस्टिस साहब के पास, वो उसको उठाएं। दरखास्त हम कर रहे हैं, बसद एहतराम कर रहे हैं, सो मोटो नोटिस ने जुडिशियल कमीशन बनाए और इस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करें कि हुआ क्या है। ठीक, ब्रेक लेते हैं ना जी, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, इसमें ये तो कहना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी इन बातों पर बात भी की है, पीटीआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजीन, हम बात करें अली मोहम्मद खान साहब से पीटीआई के सियासत के हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि कल केस जो है रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसकी हियरिंग है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है, पांचों ने और इलेक्शन कमीशन ने, तो व्हाट होप डू यू हैव टुमारो? देखिए सुप्रीम कोर्ट बाइख्तियार है, वो उसको रिवर्स कर सकते हैं,
हमारा ठीक ठाक मौकफ़ है, इलेक्शन हमने लड़ा, मैंडेट हमें मिला और उसके साथ साथ अब एक जमात में भी हम हैं जिसका एक इंतखाबी निशान भी है, बल्कि अब उस जमात से तो जनरल इलेक्शन का ही हिस्सा है, ज़मीनी इलेक्शन उससे मुंतखब होकर MNA MPA भी आगे हैं, हमारा राइट है। देखिए आईन के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी है, जितना कम देना गैर आईनी है उतना ज़्यादा हिस्सा देना भी गैर आईनी है। जो राइट मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का बनता था उनको मिल चुका, जमीयत को मिल चुका, अब हमारा शेयर आप किसी और को दे नहीं सकते। अगर आप हमारा शेयर किसी और को देंगे वो गैर आईनी काम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है, हमारे पीछे भी जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनमें ख़वातीन भी इक्वली 50% से ज़्यादा ही हैं। क्या हमारी ख़वातीन का हक़ नहीं है कि वो इलेक्शन में आए? ये तो बुनियादी इंसानी और बुनियादी जो पॉलिटिकल हकूक हैं उसके भी खिलाफ है कि आप ख़वातीन, और हमारा तो जुल्म ये हुआ कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में हमारी सीटें जो हैं वो हकूमती बेंचेस को दे दी गई। तो हम पुरुद हैं कि इंशाल्लाह हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा। और मुझे याद पड़ता है काजी साहब की बहुत सी बातें याद आती हैं, वो क्या कहते हैं कि याद माजी अजाब है गालिब। तो उन्होंने ये भी तो कहा था अपनी हियरिंग में हमारे वकील को इलेक्शन से पहले कि रिजर्व सीट्स का इशू अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। इंटरेस्टिंग, देखते हैं कल क्या। ये जो वफाकी हुकूमत ने जजों के हवाले से आईनी तरमीम लाना चाह रहे, जी जी, आप उस कमेटी के मेंबर? जी पहले भी था, अब दोबारा पार्टी ने मेरा नाम दिया है। जी तो ये क्या आप लोगों ने कहा कि शख्सी तरमीम ये है, और लोग कहते हैं जी बाजवा साहब को भी आपने तौसी दी वो भी शख्सी थी। देखिए मैं मैडम एक अर्ज़ करूँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिसका आने वाला कल आज से डिफरेंट नहीं है तो वो खसारे में है, मफहूम है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगर हम एक दूसरे को तल्ख माजी याद दिलाएंगे द कंट्री वुड नॉट मूव फॉरवर्ड। हमने इस पाकिस्तान की सियासत को 25 करोड़ अवाम को एक तख्तेदार बना दिया कि हम अपनी सियासत पावर पॉलिटिक्स में उनको वो सफ़र करें। अब मेरी ये ज़ाती भी राय है और मेरे ख्याल में पार्टी की भी अब ये इजमाली सबकी मुतफ़िका राय है, एक्सटेंशंस आर एक्सेप्शंस, दे शुड बी एक्सेप्शंस। कोई भी फील्ड हो, आपने मिलिट्री में देना है, किसी आर्मी चीफ को देना है, किसी चीफ जस्टिस की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है, कोई भी इदारा, इवन सिविलियन इदारा है, एक्सटेंशन आप तब दें जब इमरजेंसी, यानी कि उसके बगैर कोई चारा ना हो। इमरजेंसी से मतलब ये है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, अदरवाइज रूटीन में जो मुल्क चल रहा है, मुल्क में काबिल लोग हैं, एक जाता है 10 और काबिल तरीन लोग तैयार होते हैं, दूसरा जो लाइन है तरक्की की जो लोग ऊपर आते हैं वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा इदारा डिस्टर्ब होता है, निज़ाम जो है वो नीचे मफलूज ही हो जाता है जब एक आदमी को आप एक्सटेंशन देते हैं। तो हर मर्तबा बना देते हैं। तो एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो, यानी क्या इमरजेंसी, जंग हो सकती है जिसमें आपको फौरी चेंज ऑफ गार्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज तो बेहतरीन से बेहतरीन लोग मौजूद हैं। अब ये जो जजेस कमेटी है उसका मैं हिस्सा हूँ, उसकी मीटिंग अभी नहीं हुई, उसमें ये चीज़ नहीं आई। अगर हुकूमत इसमें कोई चेंज लाना चाहती है तो उसके लिए पहले वो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाए, जो स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस है वो भी बनाए, जो हमारी जजेस कमेटी है उसमें ये रिफॉर्म वो लाएँ, उस पर गौर व खोज हो। आज की अपोजिशन जो एक्चुअल हुकूमत है, हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो डिफेक्ट हुकूमत है, डिजोरे नहीं है, डिजोरे अल्लाह के कर्म से हम ही जीते हैं, लेकिन बहरहाल जब तक ये हुकूमत बैठी है कम अज़ कम आज की अपोजिशन जो हम लोग हैं हमें एतमाद में लेके बताए कि भाई इनके पास ऑन पेपर क्या है। क्या देखें इस वक्त में इस तजवीज़ का आना जो है ये कोई ऐसी हो गया है, तो इस पे शकूक व शुबात उभर रहे हैं कि भाई इस वक्त आप इस तरह की तजवीज़ क्यों ला रहे हैं। कि सामने रखें, मैं किसी पे बदगुमानी नहीं करता, लेकिन चीज़ें सामने आएँ, उन पेपर आएँ, पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाएँ, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, उस पर थॉरो डिबेट करें। आईनी तरमीम अगर आपको चाहिए, आप कैसे दो तिहाई अक्सरियत लेने वाली जमात जो फिर भी बावजूद तमाम साजिशों के, फॉर्म 47 के, तमाम रिगिंग के, बैलेट स्टफिंग के, स्टिल वी गॉट 90+ सीट्स। ठीक, ये बताएं कि आपका जो मामला है इस वक्त मुख्तलिफ पार्टी से बातचीत करने का, बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर कहा May 9 पर, ही सेड इट इन द पार्लियामेंट के May 9 पर आप बनाएं जुडिशल कमीशन। अच्छा, आप लोग कोई भी मुस्बत बात कोई करे और पार्टी, आपने एक यानी कि अभी जो 3 लोग हैं इसमें कमेटी में, कम से कम 2 जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है जिसमें उमर अयूब हैं और आपके चेयरमैन शिबली फराज हैं, शिबली फराज और बैरिस्टर अली अमीन खान गंडापुर हैं, गंडापुर साहब हैं,
तो अब इसमें मतलब कि अगर मसलन बिलावल भुट्टो ने ये कहा था तो किसने हाथ बढ़ाया उनकी तरफ के, जी ठीक है ये करें, बिल्कुल ये बात ठीक है, आप इनिशिएटिव लें। मुझे लगता है कि आप लोगों की पार्टी जो है, नहीं बिलावल साहब की कौन सी जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं? जुडिशियल कमीशन वो तो साल पहले हम कह चुके हैं, नहीं वेलकम इट, नहीं बट वेलकम इट उसके आगे कहां बात जाती तो है? हुकूमत बनाएगा जी जुडिशियल कमीशन, तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है, उसका तो प्रोसीजर यही है, या जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले या हुकूमत जो है वजीर आजम साहब उस पर स्टेप, यकीनन हुकूमत ही करेगी, लेकिन मैं हमने तो पहले ये डिमांड की है। बिलावल साहब जब ये बात कर रहे हैं, वो वजीर खारजा थे शहबाज साहब की पहली हुकूमत में, बिल्कुल, तो वो अगर इस बात में सीरियस हैं तो वो अपने वजीर आजम को कहते कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि 9 फरवरी की आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तो क्या वजीर आजम साहब ने या शहबाज शरीफ अपना बिलावल साहब ने या फॉर देट मैटर जरदारी साहब ने इसमें कोई स्टेप लिया? वो ले लेते स्टेप अगर वो संजीदा है इसमें, सिर्फ लफाजी तो नहीं कर रहे। नहीं लेकिन अली आपके अलावा, आप और अली दोनों, अली अली जफर और आपके अलावा, आपकी पार्टी से हर एक की तरफ से लगता है कि एक नेगेटिव रिस्पांस आता है। आप माहौल बनाने की बात करते हैं, दो यानी कि दे आर द गवर्नमेंट और इमरान खान हमेशा हुकूमत माहौल बनाती है, सही बात है, अपोजिशन तो बिगाड़ती है, वो तो कहते हैं ये अपोजिशन बिगाड़ती है, लेकिन कहीं जाके अपोजिशन को इंगेज भी करना होता है। अब राणा सिनावला साहब ने मेरा ख्याल दर्जन प्रोग्राम्स में कह चुके हैं बात नहीं, तो प्रोग्राम्स में आपने बात नहीं करनी ना, पार्लियामेंट में हम मौजूद है, हमारा अपोजिशन लीडर मौजूद है, इनका कोई वफद आया है अपोजिशन चैम्बर में उमर यूद साहब से या हमारे चेयरमैन सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से, या इनका कोई हाई लेवल वफद गया है इमरान खान साहब से मिलने? वैसे एक बात मैं बताऊं, मुझे अभी पूरा मौका नहीं मिला कौमी असम्बली में, इस पर मैंने एक स्पीच करनी है और मैंने कौमी असम्बली के सामने एक गिला रखना है बतौर, अब तो खैर दोबारा अल्लाह ने मेंबर बना दिया, लेकिन बतौर फॉर्मर मेंबर ऑफ दैट पार्लियामेंट, आई वॉज ट्वाइस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर कमिंग टू पार्लियामेंट दिस टाइम, मेरा इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गिला है, और वो ये है, बोल जाए कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, रह चुके हैं वजीर आजम पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एक शहर में वजीराबाद में उन पर जानी हमला होता है, क्या कौमी असेंबली में कंडेम हुआ? क्या सिर्फ एक बिल्डिंग अहम है या एक शख्स अहम है? जो 25 करोड़ का बिल्डिंग अहम है, जना हाउस अहम है, लेकिन उससे अहम 25 करोड़ आवाम की एस्पिरेशंस है जिसका नुमाइंदा वजीर आजम होता है, उस वक्त सिटिंग वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब जो वजीर खारजा हैं या बीबी शहीद के वारिस हैं, उनकी अपनी माँ के साथ ही हो चुका है, क्या बिलावल साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने या परवेज बिलावल ने कंडेम किया था? क्या असेंबली के फ्लोर पे किसी ने डिमांड की है कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ जो हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो इम्पार्शियल? किसने ये किया है? क्या पाकिस्तान के लीडर्स जस्ट फॉर ग्रांटेड है? क्या पाकिस्तान में सब लोगों की इज्जत है, सिर्फ सियासतदानों की नहीं है? हम सियासतदान ही हमेशा तख्तादार बनेंगे, क्यों ऐसा होगा? मैं दोबारा इस प्रोग्राम में दूसरी बार ये कह रहा हूँ, आर वी फेयर गेम? क्या सियासतदान जो हैं बस ऐसे ही है, ऐवे ही? क्या वो तो फैसल बाडा साहब ने कह दिया परसों सेनेट में कि जी इनके साथ भी ज्यादती हुई है, इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती हुई है, जरदारी साहब के साथ भी, सब मिल के चलते हैं ताकि अब ज्यादतियाँ खत्म हो, सब मिल के चले। देखिए पोलिटिकल फोर्सेज, मैं एक चीज़ मैंने फील की है कि पोलिटिकल फोर्सेज जब भी इकट्ठे होकर किसी इशू का हल निकालना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल फोर्सेस मसाइल का हल निकालें। देखिए आपके पास एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में बैठे मसाइल का हल निकालें या फिर वही फार्मूला अपनाएं जो मियां साहब ने किया था, बीच में राहिल साहब को लेके आ गए थे। क्या वो अच्छा नज़ारा था कि सिटिंग वजीर आजम अपनी अपोजिशन से मामलात निपटाने के लिए या मामलात सुलझाने के लिए आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि ब्रोकर का रोल तो अदा करें? मुझे बताएं कि इमरान खान साहब क्या करते रहे? देखिए तो मैं क्या करते, कितना गलत करते थे? यही तो आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया कि हमने अपने माजी से सबने सीखना है, सीखना है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात हूँ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हो। हाँ आपका बहुत बड़ा रोल बनता है अली, जिस तरह आप बात करते हैं खुल के, आपको चाहिए अडियाला रेगुलरली जाए। मैं परसों गया था खान के साथ बैठा था और एक बात उनको की आपके प्रोग्राम में, चले मैं कह देता हूँ, मैं खान साहब को कह, खान साहब जिसने आपको एक दफ़ा बिट्रे किया है उस पर दोबारा एतमाद ना करें। मैंने की अपने लीडर के बाद पहली बार आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, मैंने किसी मीडिया किसी जगह ये बात नहीं, सर हिलाया उन्होंने, जिसने एक दफ़ा बिट्रे किया है फिर ट्रस्ट ना करें। और डायलॉग की भी बात किया, डायलॉग मेरे ख्याल में
खान साहब चाहते हैं कि मसाइल हल निकले, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज खान साहब ने करना होता। आप कह रहे हैं डायलॉग और एक कॉम्प्रोमाइज और बातचीत। मैंने तो अडियाला से बाहर निकल के यही बात की कि बातचीत में, मुज़ाकरात में और डील में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। बातचीत हो सकती है, डील नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अली, प्रोग्राम आने का। नाज़रीन इसी पर खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।